Start. Hi friends, hi all the foodies. I'm Chef Manisha Gupta. I run the Cooking Institute with the name of Chef Studio in Noida. First of all, thank you so much Amul for giving me this wonderful platform, just showing my like the recipe I'm going to start today. Is a zingy paneer triangle, and it's a Indo-Italian fusion recipe it is. So we'll start with the recipe और बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे. Shall we start now? We'll start the recipe now. सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर, नॉर्मली हम घर में इसे मैदा भी बोलते हैं. अमूल चीज, इसके लिए आप श्रेडेड चीज भी ले सकते हैं या अमूल चीज के क्यूब्स भी ले सकते हैं, वट एवर यू विश. अमूल पनीर, पनीर नॉर्मली अमूल पनीर हमें इसके लिए चाहिए जो छोटे छोटे क्यूब्स में, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसको कट कर लेंगे पीसेस में. सम रिफाइंड ऑयल जस्ट 5 to 6 teaspoon, 6 teaspoons. कुछ स्पाइसेस हमें चाहिए, थोड़ी सी हल्दी, ऑरिगेनो, सम सीजनिंग, सॉल्ट, गार्लिक एंड सम शुगर. और इसके लिए हमें एक हम डिप बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए सम मेयोनीज एंड सम रेड चिली सॉस. तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप है रेसिपी का. सबसे पहले हमें इसका डो लगाना है. डो के लिए हमें क्या किस किस रेशो में लेना है मैं आपको बताती हूँ. नॉर्मल प्लेन फ्लावर हमें लेना है. फ्लावर को सबसे पहले 1.5 कप. अभी हम जो रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें हम इट्स अ स्नैक रेसिपी बेसिकली, तो इटालियन स्टाइल में है तो हमें इसके लिए इटालियन एंड फ्यूजन रेसिपी है, इंडो इटालियन फ्यूजन रेसिपी. तो सबसे पहले हम एक डो लगाएंगे, फिर इसके बीच का एक हमें स्टफिंग बनाना होगा, देन वी स्टार्ट विद द स्टफिंग. डो के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्लावर. फ्लावर इसके लिए हमने लिया 1.5 कप ऑफ फ्लावर. फ्लावर को सीव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीव कर भी सकते हैं और प्लेन फ्लावर भी एज इट इज ले सकते हैं. लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज नॉर्मली हम जो ये डो लगा रहे हैं ये इटालियन फोकासिया ब्रेड आपने सुना होगा, तो वही वाला नॉर्मल इटालियन डो लगाएंगे कि इसमें लिटिल बिट ऑफ फोकासिया का भी टेस्ट आए, ऑरिगेनो का भी टेस्ट आए. अ लिटिल बिट ऑफ ऑरिगेनो. Some viewers are asking for the name of the dish again. Paneer zingi triangles. इसके लिए हमें थोड़ा सा ईस्ट चाहिए. मैंने इसके लिए ईस्ट लिया है 1 teaspoon. 1 teaspoon ईस्ट को हम डाइल्यूट करेंगे नॉर्मल वाटर में, लाइक आप ल्यूक फॉर्म भी ले सकते हैं बट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए इसके लिए पानी. I'll show you. एक अलग से बाउल आपको लेना है. 1 teaspoon of this, a little bit of water, and 1/2 teaspoon of sugar. शुगर में इनो थोड़ा जल्दी फॉर्मेट होता है इसलिए नॉर्मली हम इनो इनो के इसके साथ में शुगर डाल देते हैं, ईस्ट के साथ में, सॉरी. इसको हम 3 से 4 मिनट का रेस्ट देंगे. बाय द टाइम अपने फ्लावर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम अच्छे से स्पून से, हाथ से, किसी भी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये डो नॉर्मली हम अपने हाथ से लगाएंगे, आप डो अपनी परात में भी लगा सकते हैं, फ्लैट टेबल पे भी लगा सकते हैं अच्छे से, बट एक डो लगाने के लिए बाउल का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हमें डो के फॉर्मेशन अच्छे से हम डो लगा सके और डो का ग्लूटेन फॉर्म हो सके. जितना हमें एरिएशन के लिए या जितना बाउल में जगह होगा या आपके बर्तन में जगह होगी उतने ही एरिएशन के लिए या जो ग्लूटेन उसमें फॉर्म होगा उसके लिए उसे स्पेस मिलेगा. श्वेता इज आस्किंग फॉर अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईस्ट. सब्स्टिट्यूट फॉर ईस्ट इज आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली जितना अच्छा रिजल्ट ईस्ट का आता है उतना बेकिंग पाउडर का नहीं आता है. और बेकिंग पाउडर आप यूज कर रहे हैं तो बेकिंग पाउडर 1.5 teaspoon आप यूज कीजिएगा और उसे पानी में डाइल्यूट मत कीजिएगा, डायरेक्ट अपने फ्लावर में ही मिक्स कीजिएगा. बट यूजुअली ब्रेड के लिए या ब्रेड स्टो के लिए हम लोग ईस्ट ही यूज करना प्रेफर करते हैं. अभी ईस्ट हमारा रेडी है,
हम इसको अपने डो में मिक्स कर रहे हैं। स्पून से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं पानी से, नॉर्मल हमें पानी लेना है, कोई दूध यूज नहीं करना है। गरम दूध, गरम पानी में भी हमें डो नहीं लगाना है, बिकॉज डो में ज्यादा पानी गरम होगा तो लंप पड़ जाएंगे। सो वील यूज नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी हम इसमें यूज करेंगे। हाथ से डो लगाऊंगी मैं इसमें। एक और क्वेरी है कि कैन वी मेक रेसिपी विदाउट यीस्ट एंड कैन वी ऐड चिली फ्लेक्स? चिली फ्लेक्स आप ऐड कर सकते हैं इसमें, बट चिली फ्लेक्स हम अपने स्टफिंग में ऐड करेंगे, जो हम इसमें सेंटर स्टफिंग करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने, बट आपका बहुत ज्यादा थोड़ा स्पाइसी टेस्ट है, टैंगी टेस्ट है, तो आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो, बट बहुत सारी सीजनिंग और फ्रेश हर्ब्स अभी हम लोग स्टफिंग में ऐड ऑन करने वाले हैं, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। और ईस्ट के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया, बेकिंग पाउडर भी ऑप्शन है, बट नॉर्मल जितना अच्छा इफेक्ट या जितना अच्छा टेक्सचर जो इसका आएगा ईस्ट का, वो बेकिंग पाउडर का नहीं आता, बट आप ऑप्शनल इन अ हेल्दी वे यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक और रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में भी साथ में बताएं। चलिए अब मैं हिंदी में बोलती हूँ आपके साथ। ये डो लगा रहे हैं हम, नॉर्मली हमने इसमें आधी कटोरी पानी, जितना हमारा डो था, लाइक हमने फ्लावर लिया था, 1.5 कप फ्लावर था हमारा इसमें, तो आधी कटोरी पानी, नॉर्मली आधी कटोरी बस इतना ही हम लेंगे डो, इससे ज्यादा नहीं। और इस तरह से ये डो लगाएंगे। डो प्लीज एक बार आप दिखा दो। ये थोड़ा स्टिकी होगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे हम इसमें ऑयल ऐड करते चले जाएंगे, तो ये इतना स्टिकी नहीं होगा। इसको जितना, इसको तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट हाथ से करते रहना है डो, 2-3 मिनट, ऐसा नहीं कि 2 मिनट आपने करके रख दिया, तो जितनी जल्दी, जितना ज्यादा इसे करेंगे, जितनी देर तक, 6 से 7 मिनट तक, उतना अच्छा इसका ग्लूटेन फॉर्म होगा और उतना अच्छा ये राइस करेगा। बेसिकली हमें इसे बेक करना है, तो बहुत अच्छा राइस होना चाहिए ये। अब ये है कि अगर फ्रेश चीज डालते हैं तो क्या रेशियो होना चाहिए? फ्रेश यीस्ट के लिए मैंने ये फ्रेश यीस्ट ही डाला है, इसमें रेशियो 1 टीस्पून डाला है, 1 चम्मच चाहिए हमें यीस्ट, जस्ट 1 टीस्पून ऑफ ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, व्हाटएवर यू वांट, बट घी नहीं यूज करना है इसमें, मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज करना है, सिर्फ रिफाइंड या फिर ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से तकरीबन 5 मिनट, ऑलमोस्ट 3 मिनट मुझे हो गए हैं, 2 मिनट बस और, इसको डो को अच्छे से लगा के, इस डो को हमें 1 घंटा रेस्ट के लिए रखना है, मतलब आप 40 मिनट भी रख सकते हैं, बट जितना ज्यादा होगा एटलीस्ट 1 घंटा, ज्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 40 मिनट या 1 घंटा तो हमें चाहिए चाहिए, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखना है, या फिर जहां पे नॉर्मली, जैसे आजकल तो बहुत गर्मी है, तो आप अपने इसे रूम में या किचन में ढक के, या फिर क्लीन रैप से ढक के, या गीले कपड़े से ढक के, आप इसे 1 घंटा रेस्ट के लिए। ये डो अब हमारा रेडी हो चुका है, जस्ट लुक एट द डो, ये डो रेडी है। अब इस डो को मैं 1 घंटा रेस्ट के लिए रख दूंगी। इन द मीन टाइम हम अपना डिप बनाएंगे, और एक डो मैंने रेडी किया होगा, फिर हम उसके साथ काम करेंगे। अब हम एक डिप रेडी करेंगे। डिप के लिए हमें एक फ्राई पैन चाहिए, वी नीड अ फ्राई पैन। A little bit of refined oil, olive oil भी आप इसमें यूज कर सकते हो। मैं इसमें सीजनिंग भी यूज करूंगी डिप बनाने के लिए, और इसमें मैं कुछ फ्रेश बेजिल यूज कर रही हूँ, एज आई हैव सम फ्रेश बेजिल, मेरे पास बेजिल है। बेजिल बेसिकली हर्ब्स ही हैं, सब इटालियन हर्ब्स हैं, बेजिल, पार्सले, आपके पास कुछ भी फ्रेश हर्ब्स हैं तो बहुत अच्छा बटर टेस्ट देते हैं कि आप फ्रेश यूज करो, तो मैं फ्रेश यूज कर रही हूँ अभी।
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें देखिए पनीर के क्यूब्स मैंने इतने छोटे काटे हैं, बिकॉज हमें बीच में स्टफिंग करना है उसके अंदर, तो पनीर के क्यूब्स बहुत बड़े होंगे तो डेफिनेटली आपको स्टफिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, तो एटलीस्ट इस साइज के पनीर क्यूब्स हमें चाहिए। थोड़ा सा ऑरिगेनो, नॉर्मल ऑरिगेनो, आप कोई भी ऑरिगेनो ले सकते हो या रोजमेरी वगैरह सब। आपको अ लिटिल बिट ऑफ ये लहसुन का पाउडर है, ड्राई लहसुन पाउडर। आप ड्राई नहीं यूज कर रहे हो लहसुन का पाउडर तो आप फ्रेश गार्लिक को क्रश करके या ग्रेट करके किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, बट इट्स अ इटालियन डिश तो इसमें लहसुन का फ्लेवर या गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दर्शना जैन जी पूछना चाह रही हैं कि क्या क्या चीजें कितनी क्वांटिटी में डाली हैं आपने। मैंने बेसिकली ऑरिगेनो, ये इसकी क्वांटिटी की बेसिकली ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, बट मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें करीबन 1/3 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो डाला है, 1/3 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो। हल्दी में डाल रही हूँ जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी, कि उसका हल्का सा एक पीला कलर आ जाए, दैट्स इट। सॉल्ट इसमें जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऑलरेडी हमारे डो में भी सॉल्ट है तो हम इसमें जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फ्रेश बेजिल है, 1 टीस्पून ऑफ फ्रेश बेजिल। इसको बस इसमें हम लोग टॉस कर लेंगे। अनुप्रीता जी की क्वेरी है, कैन वी यूज बटर इंस्टेड ऑफ ऑयल। हाँ, बटर भी यूज कर सकते हैं, अमूल बटर यूज कर सकते हैं, व्हाइट बटर यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाटएवर यू विश टू यूज। इसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, ये रेडी है, बिकॉज पनीर में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसको पकाने की जरूरत पड़े। ऑलरेडी ये बेक होगा तो बेकिंग में भी कहीं ना कहीं इसका कुकिंग और होगा। अभी अब हमें एक डिप बनाना है, दिस इज पास्ता सॉस। नॉर्मली पिज्जाज के लिए या पास्ता के लिए जो रेड सॉस हम यूज करते हैं, ये होममेड सॉस है। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, बहुत तरह के रेडीमेड सॉस भी आते हैं, रेड सॉस कोई भी ले सकते हैं। आप चिली सॉस भी इसमें यूज कर सकते हो। मैं मेयोनीज, व्हाइट मेयोनीज एंड ये पास्ता सॉस इसमें यूज कर रही हूँ। रेशियो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितनी रेशियो में यूज करना है। फाइव टीस्पून ऑफ मेयोनीज, टू टीस्पून ऑफ पास्ता सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें हमें कुछ भी सॉल्ट कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ता सॉस में और मेयोनीज में कुछ फ्लेवर्स हैं और हमने पनीर में बहुत सारे अपने मसाले ऐड ऑन कर दिए हैं, तो एटलीस्ट हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो हम इसमें कुछ और डालें। ये सॉस इस तरह से रेडी है हमारी सॉस। इस लॉकडाउन में हम इतनी सारी रेसिपीज ट्राई कर चुके हैं, एटलीस्ट ये आपके लिए कुछ डिफरेंट रेसिपी है, आप इसे भी जरूर ट्राई करना। बहुत सारी इतनी सारी रेसिपीज ढूंढ ढूंढ के हम लोग ट्राई कर रहे हैं, घर में ही बना रहे हैं, घर में ही खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बच्चों को भी। एंड इट्स अ स्टफ रेसिपी, मतलब स्नैक्स के लिए भी है, आपको डिनर टाइम में बनाना है डिनर टाइम में भी आप बना सकते हो। पेट लाइक स्टफिंग रेसिपी है, हैवी है, और आप किसी भी मील में इसे खा सकते हो, स्नैक टाइम में, डिनर टाइम में, ब्रेकफास्ट टाइम में, व्हाटएवर यू वांट। चलिए अब हम हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, नाउ आई विल शो द डो, बिकॉज हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है यहाँ पे, तो मैंने एक डो ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, बिकॉज उस डो को एक घंटे रेस्ट के लिए मैंने रखा है, एटलीस्ट 40 मिनट का रेस्ट हमें चाहिए, बट एक डो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो ये डो इस तरह से राइज हो जाएगा, जो मैंने प्रिपेयर करा था एक घंटे में, इस तरह से ये डो रेडी हो गया हमारा। हम इसको पंच कर देंगे, बिकॉज ये काफी फूल गया है, हमने इसमें ईस्ट डाला हुआ है तो ये काफी फूल गया। अब हम इसको पंच कर देंगे और अपने हाथ में हल्का सा स्लाइटली सा ऑयल लगाते हुए
थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे अपने डेस्क पर जहां पर भी हम इसे रोल कर रहे हैं, रोलिंग पिन से अब हम इसे रोल करेंगे। ये हमारा पूरा डो रेडी है, मैंने थोड़ा फ्लावर डस्ट किया है इस पर, थोड़ा ऑयल लगाया है। अब इसको हम 4 पीसेस में कट करेंगे। चारों पीसेस में एक एक बॉल्स, सिंगल सिंगल बॉल्स बना लेंगे हम उनका। सिंगल बॉल बना ली है, आप ऑयल लगा सकते हो, हाथ में चिपके नहीं, वैसे डो ये चिपकेगा नहीं बिकॉज हमने इसमें थोड़ा सा डस्टिंग ऑलरेडी कर ली है। डो की रेसिपी एक बार दोबारा हम पूछ रहे हैं। जरूर, मैं आपको डो की रेसिपी बता देती हूँ। डो के लिए मैंने लिया था 1.5 कप फ्लावर लिया था, 1.5 कप मैदा थी, नॉर्मल मैदा थी जो हम लोग घर में यूज करते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला था, जस्ट अ पिंच ऑफ, अ लिटिल बिट, 1/3 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/3 टीस्पून ऑफ शुगर, चीनी डाली थी मैंने इसके अंदर, और 1 चम्मच यीस्ट डाला था इसके अंदर। बट यीस्ट को मैंने पहले पानी में डाइल्यूट किया था, पानी में डाइल्यूट करते हुए मैंने उसमें थोड़ा शुगर डाला था, जस्ट अ पिंच ऑफ शुगर, और फिर उसको यीस्ट को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए रखना है यीस्ट को, ताकि यीस्ट थोड़ा राइज हो जाए। फिर आप इसका अच्छे से पानी लेके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेके आप इस डो को रेडी कर लें, और 1 घंटा डो को रेस्ट के लिए हमने रखा था। रेस्ट के बाद ये डो हमारा रेडी है। इन द मीन टाइम जिसमें हमें बेकिंग करना है, लाइक OTG है आपके पास में, माइक्रोवेव कन्वेंशन मोड पे है, तो OTG है तो आप OTG को ऑन कर दीजिए, अराउंड 200 डिग्री पे OTG को ऑन करके रख दीजिए, बिकॉज अब हम इसको OTG में अपने अवन में ही रखने वाले हैं, तो आप 200 डिग्री पे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट होगा। आपके पास OTG घर में नहीं है या माइक्रोवेव का कन्वेंशन मोड पे नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक तंदूर पे भी कर सकते हैं, और गैस पर कढ़ाई में भी, लाइक सॉल्ट, नीचे सॉल्ट लगाकर ऊपर एक कोई भी छलनी रखकर आप उसमें बेक कर सकते हो इसे, और इलेक्ट्रॉनिक तंदूर जो नॉर्मली जिस घर में हम जिसपे नान बनाते हैं आप उस पर भी बना सकते हो इसे। तो अब मैं इसे रोल करूंगी और इसकी स्टफिंग करेंगे। थोड़ा सा फ्लावर मैं डस्ट कर लूंगी अपने प्लेटफॉर्म पे, और थोड़ा सा पानी हमें यहाँ पे चाहिएगा इसके लिए। आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कितना भी फ्लावर इस पे डस्ट करके कितना भी अच्छे से रोल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी फ्लावर आप डस्ट करो इस पे, बट साइज हमें नॉर्मली यही चाहिए। चारों हमारी रोल हो गई है, अब हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। अब दिखाती हूँ, इसको हमें ट्राइंगल शेप में बनाना है, बेसिकली इसका नाम ही है पनीर जिंगी ट्राइंगल, तो अब हम इसे ट्राइंगल करेंगे। ट्राइंगल करने के लिए मैं दिखाती हूँ आपको, हमने इसे रोल कर लिया है, चारों हमारे रोल हो गए हैं इस तरह से ट्राइंगल शेप में, अब हम इसे फोल्ड करेंगे। दिस लाइक दिस, अभी ट्रायंगल बन गया पूरा, और दूसरों को भी कर देंगे हम। ये ट्रायंगल फॉर्म में आ गया पूरा। ये ट्रायंगल्स खुलना चाहिए इसके लिए थोड़ा पानी से, नॉर्मल प्लेन वाटर से हल्का इसको स्टिकिंग के लिए, नहीं तो जब तक आप इसे बेक करेंगे या कहीं पर भी ये रोस्ट होगा तो ये खुलते चले जाएंगे स्टफिंग के साथ साथ। हल्का हल्का पानी हाथ से लगाते हुए, कोई दूध या कुछ और भी मत लगाइएगा बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत हैवी है, तो पानी ही सफिशियंट है इसमें। तो ये ऑलरेडी एक ट्रायंगल बन गया है।
हमारे पास पनीर की स्टफिंग रेडी है। एक इंक्वायरी है, कढ़ाई में बेक करने का टाइम क्या होगा? कढ़ाई में अराउंड 20 से 22 मिनट लगेंगे इसको बेक करने के लिए। जस्ट 1 टीस्पून ऑफ पनीर, बहुत ज्यादा इसमें स्टफिंग कर नहीं सकते हैं बिकॉज बेक करेंगे तो वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो हमने ये डिप रेडी किया था पास्ता सॉस एंड व्हाइट मेयोनीज का, अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे, जस्ट 1 टीस्पून ऑफ। इसके एजेस, तीनों एजेस पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे बिकॉज एजेस को हमें कवर करना है, इसको बंद करना है, इसको पोटली शेप में, ट्रायंगल पोटली शेप में। एजेस पे थोड़ा पानी होगा तो डेफिनेटली वो खुलेंगे नहीं बेक होते हुए। इस तरह से तीनों एजेस को पकड़ना है हमें और इसको एक ट्विस्ट दे देंगे इस तरह से। दैट्स इट। तो बेकिंग ट्रे, इस तरह से इसको हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, तीनों को ट्विस्ट देके इस तरह से बंद कर दिया है। अब बेकिंग ट्रे पे हमें इसे किस तरह से रखना है, हल्का सा फ्लावर डस्ट करना है, जस्ट अ लिटिल बिट। इसको हम अराउंड 12 से 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखेंगे। ये 200 डिग्री पे होगा और इसको दोनों रॉड्स आपकी ओटीजी में यदि रॉड्स हैं ऊपर भी और डाउन वाले रॉड्स भी दोनों खुले रहेंगे और 200 डिग्री सेल्सियस पर ये बेक होगा। अब इसको हम बेकिंग के लिए रख देते हैं। एज आई टोल्ड यू हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है इन सब लाइव सेशन में, तो मैंने ऑलरेडी एक बेक करके रेडी रखा हुआ है आपके लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द फूड इज नाउ प्लेटिंग। प्लेटिंग इज द बेस्ट पार्ट, खाना बनाने का सबसे अच्छा पार्ट होता है। उसकी प्लेटिंग कैसे करनी है, उसको कैसे सर्व करना है, तो प्लेटिंग आई विल शो यू। प्लेटिंग हम इसकी कैसे करेंगे, हम कोई भी प्लेट लेंगे, कोई भी आपके पास फ्लैट प्लेट हो, ग्लास प्लेट हो, स्टील हो, वट एवर यू हैव, तो सकते हैं वो लेंगे। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ फ्लावर इन दिस, इसके अंदर फ्लावर डालेंगे। दो इंक्वायरी है, दो क्वेरी है कि माइक्रोवेव में टेम्परेचर क्या होना चाहिए और पनीर स्टफिंग की रेसिपी फिर से बता दे एक बार। पनीर स्टफिंग में मैं आपको बताती हूँ, फ्राई पैन को ऑन, फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म करके, बेसिकली हमें पनीर को इसमें सॉटे करना है, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। जस्ट 2 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल हमने डाला था इसके अंदर, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो ऑयल आप यूज कर सकते हैं, बस घी का बटर भी यूज कर सकते हैं, बटर अमूल बटर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑरिगेनो, 1/3 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो, थोड़ी सी हल्दी, जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, और हमने इसमें ड्राई जिंजर यूज किया था, जिंजर पाउडर। आपके पास में आप फ्रेश जिंजर खाते हैं वो यूज कर सकते हैं, और एक गार्लिक हमने यूज किया था, फ्रेश गार्लिक। फ्रेश गार्लिक आप खाते हैं फ्रेश यूज करें, पाउडर पाउडर आप यूज करते हैं तो पाउडर यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स इटालियन इंडो फ्यूजन, तो हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर इसमें ज्यादा एनहांस होता है, अच्छा आता है। बस उसके बाद में हमने इसमें पनीर के क्यूब्स डाले हैं और इसको टॉस कर लिया, हार्डली 2 to 3 मिनट्स, दैट्स मोर देन एनफ, बिकॉज पनीर ऑलरेडी एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। माइक्रोवेव का टेम्परेचर क्या होगा? माइक्रोवेव का कन्वेंशन मोड का टेम्परेचर नॉर्मली आप 100 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं। और क्या हमें ट्रायंगल्स पे ऑयल ब्रश करना है आरती जी का? वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ट्रायंगल्स पे हम बटर ब्रश करेंगे, ऑयल नहीं करेंगे, बिकॉज बटर इज अ हेल्दी वर्जन, आप ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हो, बट हम लोग ब्रशिंग इन बिटवीन करेंगे। लाइक अभी हमने बेक होने के लिए उसे रख दिया है, बट इन बिटवीन थोड़ा सा उसे निकालने के बाद में मैं आपको अभी ट्रे पे दिखाती हूँ, फिर हम 10 मिनट के बाद में हम जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑरिगेनो पे स्प्रिंकल करेंगे और बटर की ब्रशिंग करेंगे। आई विल शो यू। नॉर्मल मेल्टेड बटर है मेरे पास, आप फ्रेश हर्ब्स या थोड़ा ऑरिगेनो भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप दूध से भी कर सकते हो इसको, आपको दूध से करना है तो ब्रशिंग दूध से भी कर सकते हो, फ्रेश दूध से, बट पानी उसमें मिक्स मत कीजिएगा। दैट्स इट। कितनी देर माइक्रोवेव में रखना है और या गैस या कढ़ाई पे कितना टाइम होना चाहिए? गैस या कढ़ाई में आप इसे कर रहे हो बेक तो तकरीबन आपको इसे 20 से 22 मिनट रखना है। माइक्रोवेव में कर रहे हो तो 12 से 13 मिनट आपको कन्वेंशन मोड पे बेक करना है।
नाउ द प्लेटिंग पार्ट, हमने इसमें डस्टिंग के लिए थोड़ा सा फ्लावर डाल लिया अपने चाय छानने वाली सर्दी में, और बीच में हमने इसमें एक बाउल रखा है छोटे साइज का बाउल, उसको प्लेट को कवर करना है, फिर हम इसे हल्का हल्का डस्ट कर रहे हैं। शिवम जी रिटर्न रेसिपी मांग रहे हैं। रिटर्न रेसिपी मैं आपको इसी पे भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट आई विल जस्ट फिनिश विद द रेसिपी। और अर्चना आपके स्टूडियो का एड्रेस मांग रही है। शेफ स्टूडियो नोएडा में है, सेक्टर 11 नोएडा। आप सर्च कर सकते हो वेबसाइट पे। Now this plate is ready. और हमारा झिंगी पार्सल भी रेडी है, झिंगी ट्राइंगल। ये इस तरह से बिल्कुल बेक होके हल्का सा इस पर हम स्प्रेड कर देंगे बटर, ऑलिव ऑयल, जस्ट अ लिटल बिट ऑफ, बेकिंग से निकलने के बाद में जस्ट अ लिटल बिट ऑफ। मिडल रैक या बॉटम रैक में हमें कहाँ रखना है उसको ओटीजी में? उसको मिडल रैक में रखना है ओटीजी में। रेसिपी का नाम फिर से पूछा जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। झिंगी पनीर ट्रायंगल्स, ये रेडी है झिंगी पनीर ट्रायंगल। बहुत ही आसान डिश है, हार्डली बस रेस्टिंग में टाइम लगता है डो की, अदरवाइज आपको एक बार डो लगाना है और अपना फिलिंग रेडी कर देनी है तो हार्डली 15 से 20 मिनट का काम है, और इंस्टेंट के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स है। आप इसको बेक करने के बाद में अराउंड 4 से 5 घंटे तक फ्रेशली इसको खा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए मैं इसको इसकी सेंटर स्टफिंग दिखाती हूँ। अब ये बीच में से हमने इसे बिल्कुल टाइट पानी से टाइट इसको ट्विस्ट किया था, तो ये खुला भी नहीं है। जस्ट लुक एट द सेंटर स्टफिंग, सेंटर में ये पूरा स्टफिंग होता है इसका। दिस इज द सेंटर स्टफिंग। आप इसको थोड़े बड़े साइज का भी बनाना चाहते हो, सपोज जितना मैंने डो लिया है, जितना एक साइज के लिए लिया, आप इसे डबल भी बना सकते हो, डबल साइज का डो लेके। जैसे मैंने एक बॉल लिया था, आप थोड़ा बड़ा बॉल लेके थोड़ा बड़ा साइज भी बना सकते हो, बट नॉर्मली हम सर्विंग के टाइम एज अ स्नैक इसे कर रहे हैं, मतलब लाइक डिनर के लिए नहीं सर्व कर रहे हैं, तो इसको छोटे छोटे साइजेस में हम बनाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वंस अगेन थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। आई होप आई विल कम अगेन विद अनदर रेसिपी। बाय फूडीज, थैंक यू।